हे गाइस, वेलकम टू द थंडर वर्ल्ड। समय समय पर हमारे पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं होती है जो समस्त लोगों को हिलाकर रख देती है। इनमें से कुछ प्राकृतिक होती है तो कुछ इंसानों द्वारा बनाई जाती है, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिनके बारे में कभी पता नहीं चलता कि उनके पीछे का क्या रहस्य था। तो ऐसे आज हम साइबेरिया के जंगल के बारे में जानने वाले हैं, जहाँ हुआ था एक ऐसा रहस्यमय धमाका जिसने सभी लोगों को हैरानी में डाल दिया। तो चले जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। तो 1 2 3 बूम। समग्र विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाली ऐसी एक घटना 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया इलाके में घटी। घटना वाले दिन एक विशाल अग्निपिंड आकाश को चीरता हुआ धरती की तरफ बढ़ने लगा। फिर वो विशाल अग्निपिंड एक जोरदार धमाके के साथ धरती से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइबेरिया का पूरा इलाका कांप उठा। धमाका कितना जोरदार था इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमाके के बाद धूल और अग्नि का एक विशाल बादल आकाश में बन गया। जोरदार धमाके के असर 60 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी उसकी आवाज और कंपन से बेहोश होकर गिर पड़े। धमाके की वजह से बड़े बड़े मकान पल भर में मिट्टी में मिल गए। इसके साथ ही 60 किलोमीटर दूर के आसपास की सारी चीजें नष्ट हो गई। बाद में जब उस जगह पर वैज्ञानिक पहुंचे तो उनके अनुसार उनको पहले से अंदाजा था कि वहां पर अंतरिक्ष से कुछ गिरने वाला है। तो जब वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक गड्ढा तक नहीं है। उनका मानना था कि अगर कोई चीज आसमान से धरती पर गिरती है तो ऑब्वियस ही बात है कि गड्ढा तो बन ही जाएगा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चीज आसमान से धरती पर गिरी तो थी, लेकिन उसका कुछ सबूत नहीं मिला। वो चीज जिस जगह पर गिरी थी वो जगह पूरी तरह से सही सलामत थी। उस जगह के पेड़ भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे, लेकिन उस जगह से 60 किलोमीटर के आसपास की सारी चीजें नष्ट हो गई थी। एक बात तो साफ है कि वो जो भी चीज गिरी थी वो कोई उल्का पिंड नहीं थी। जब उस जगह की इन्वेस्टिगेशन की गई तब वैज्ञानिकों का कहना था कि वो चीज एग्जैक्टली धरती से नहीं टकराई थी, वो चीज पृथ्वी के सतह से काफी ऊपर टकराई थी। कुछ लोगों के अनुसार वो एक यूएफओ था जिसमें कुछ तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से वो नीचे गिर पड़ा, लेकिन अगर वो एक उल्का पिंड होता तो उस जगह पर पाया जाता या फिर धरती पर एक बड़ा सा गड्ढा तो बन ही जाता। इस घटना के बारे में वैज्ञानिकों को भी नहीं पता चला कि एग्जैक्टली वो चीज क्या थी। साइबेरिया में उस दिन क्या हुआ था ये चीज आज भी एक रहस्य ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो चीज क्या थी? क्या वो कोई यूएफओ था या फिर कुछ और? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि हमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड हाँ दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।